फाइनली आपने देख लिया स्टूडियो टू, क्या कहना चाहोगे मैम, कैसी लगी? बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छे गाने हैं और श्रद्धा कपूर का डांस और श्रद्धा कपूर के डायलॉग्स बहुत कुछ अच्छा है। अक्षय कुमार का कैमियो भी बहुत बहुत अच्छा लगा फिल्म में, और फुल कॉमेडी हॉरर मूवी है, देखनी चाहिए, बनता है देखना। मूवी में कॉमेडी भी है हॉरर भी है, तो आप कितने डरी देख के मूवी को? डर की तो बात नहीं, मतलब बहुत हंसी भी आ रही थी, बहुत मतलब अच्छी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा था फिल्म में। सर कटे का आता है क्या कहना चाहते हैं? सर कटे का तो मतलब एकदम सरप्राइज पैकेज निकला और बहुत अच्छा, मतलब कुछ नया देखने को मिला फिल्म में सर कटे का। एंजॉय किया आपने? बहुत ज़्यादा, बहुत हैविंग फन। क्या लगता है 15 अगस्त के मौके पर रिलीज हो रही है तो ऑडियंस को देखनी चाहिए मूवी? हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए, छुट्टी का मौका है और इतनी अच्छी मूवी आई है तो जाकर देखनी बनती है। तमन्ना भाटिया का एक आइटम नंबर भी है उसके बारे में, उसका हुक स्टेप तो बहुत फेमस हुआ है और बहुत अच्छा डांस किया उसने। मूवी में और भी एक्टर है जैसे पंकज त्रिपाठी है, हाँ अभिषेक बनर्जी है, अमर शक्ति पुराना, तो ये सबके बारे में क्या कहना? इनकी भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी थी, एक्टिंग बहुत अच्छी लगी और ओवरऑल बहुत अच्छी मूवी है। अगर आप 5 में से स्टार्स दे रहे हो तो कितने दे रहे हो? सॉरी, 5 में से कितने स्टार? 5 में से 4 स्टार तो बनते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छी फिल्म लगी है, श्रद्धा कपूर की एक्टिंग बहुत अच्छी है, राजकुमार राव ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, पंकज त्रिपाठी का रोल कमाल का रोल है, उन्होंने बहुत अच्छी कॉमेडी की है, जब जब उनको दिखाया जाता है तो लोग बोर नहीं होते, और श्रद्धा कपूर ने साबित कर दिया है कि वो एक टैलेंटेड अभिनेत्री है। देखिए जितना कॉमेडी है उतना हॉरर है, और इसलिए जो कॉमेडी के साथ साथ जो हॉरर किया है ना वो दर्शकों को अपनी ओर बहुत खींचे रखता है, दर्शकों को बांधे रखता है। क्या बात है, मतलब ऑडियंस को कितना पसंद आएगी? मैं समझता हूँ कि ऑडियंस को बहुत पसंद आना चाहिए, आज के वक्त में एक अच्छी फिल्म देखने को मिली है, श्रद्धा कपूर का रोल ज़बरदस्त रोल है, साबित कर दिया टैलेंट से, मैं फिर कहना चाहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त उन्होंने एक्टिंग की है। हाँ वो तमन्ना भाटिया है ना, तमन्ना भाटिया का रोल भी बहुत अच्छा है, थोड़ा सा रोल है लेकिन उन्होंने जो इसमें अपना सॉन्ग पेश किया है बहुत अच्छा किया है। है? नहीं नहीं, वो जो स्पेशल उनका प्रिंस आया है थोड़ा थोड़ी देर के लिए, वो डायरेक्टर ने बहुत सोच समझ के दिया है, बहुत अच्छा उनका रोल है और फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर होने वाली है। रेटिंग में इसको 4 स्टार देना चाहेंगे। कैसी लगी आपको स्टूडियो? बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे आप स्टूडियो के बारे में, हॉरर कॉमेडी? टू गुड, अच्छा था, बहुत अच्छा। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, सबका काम कैसा लगा? सबका काम बहुत अच्छा था। कितना कॉमेडी था? कॉमेडी ज़्यादा थी, हॉरर भी था, बट हॉरर वॉज लाइक तो भी ठीक है, बट कॉमेडी ज़्यादा थी। फर्स्ट पार्ट से कितना अच्छा था? हाँ, फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट कितना अच्छा था? फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट, आई थिंक फर्स्ट पार्ट भी बहुत बेस्ट था, सेकेंड पार्ट भी अच्छा था, जाना की एंट्री के बाद तो सभी अच्छा था। बहुत सारे कैमियोस भी हैं, अक्षय कुमार माइट बी द नेक्स्ट ना, सरकटा में भी वो नेक्स्ट है, तो वो बहुत सरप्राइजिंग था, बहुत ज़्यादा। क्या लगता है ऑडियंस को पसंद आएगी? बहुत ज़्यादा, आप देख लो खुद ही। ओके थैंक यू। रेटिंग क्या होगी? 5 में से 6, 7, 8 पता नहीं ज़्यादा। कैसी लगी स्त्री 2? अच्छी है, मज़ेदार है, एंटरटेनिंग है, और कॉमेडी और हॉरर का परफेक्ट ब्लेंड है। क्या कहना चाहिए जितने स्टार का है, श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, बहुत अच्छे लग रहे हैं सब, बहुत मस्त एक्टिंग किया है सब ने, और थ्री फर्स्ट के बाद अभी जो आया है उसमें मज़ेदार है, और जो उसका जो पहली स्ट्री का जो था स्टोरी वो भी देखने बताने का अंदाज अच्छा था। पंकज त्रिपाठी के अंदर जो यूनिवर्स बनाने की कोशिश की अमर कौशिक ने, क्या कहना चाहेंगे? अक्षय कुमार का कैमियो, वरुण धवन का कैमियो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में? जैसे अक्षय कुमार का कैमियो है, फिर वरुण धवन भेड़िया, बहुत अच्छा है, वरुण धवन का तो कैमियो बहुत अच्छा लग रहा है और अक्षय कुमार का भी अच्छा है, लेकिन वरुण धवन इज द आइसिंग ऑन द केक। क्या लगता है ऑडियंस को पसंद आएगी? ऑडियंस आएगी, ऑफकोर्स आएगी, ऑडियंस को पसंद, ये मजेदार 3.5 तो पक्का। भाई कैसे लगी आपको स्टेट? फिल्म बहुत अच्छी है, अमेजिंग, क्या बढ़िया लगा मूवी का, परफॉर्मेंसेज अच्छे हैं, कॉमेडी कितना, हॉरर कितना, डरावना कितना सीन लगा? डराव नहीं लगी मुझे, कॉमेडी भी अच्छी है, पंकज त्रिपाठी का कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छा है। कैमियो है मूवी के अंदर, दो कैमियो, अक्षय कुमार और वरुण धवन, तमन्ना भाटिया,
है, वरुण धवन का काम अच्छा लगा मुझे। अक्षय कुमार एक नया अवतार में दिखे आपको? हाँ, उसका भी अमेजिंग है, ऑडियंस को पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगी, देखनी चाहिए ऑडियंस को। हाँ हाँ, रेटिंग क्या होगी फिल्म में? एंटरटेनिंग फिल्म है। रेटिंग क्या होगी फिल्म? 4 स्टार्स। थैंक यू। सॉरी, क्या अच्छा लगा मूवी में? सब कुछ बहुत अच्छा था, अक्षय कुमार से सरप्राइज पैकेज, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, सबका काम कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। कितना ड्रामा, कितना कॉमेडी लगा? 50-50% है, लेकिन बहुत अच्छी कॉमेडी टाइमिंग इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, कैसी लगी आपको? इट वॉज वेरी गुड, इट वॉज स्केरी बट इवन कॉमेडी। पंकज त्रिपाठी, विकी कौशल, आई लाइक द एक्टिंग, स्केरी कॉमेडी, 50-50 था। पहले तो मैं आंखें बंद कर बैठी थी, कुछ पता नहीं चला, कान बंद किए क्योंकि ज़्यादा शोर था, बट इट वॉज वेरी गुड। मूवी हॉरर कॉमेडी तो कितना डराती है और कितनी हंसाती है? ज़्यादा तो हंसाती है, ज़्यादा कम, मतलब डराने जैसे उसके VFX जैसे थे ना, बहुत अच्छा था, हंसाता तो बहुत अच्छा। सर कथे का अंत तक क्या कहना चाहोगे? सर कथे का अंत तक इट वॉज टू मच, मतलब द वे ही हैड ऑल द पावर्स एंड ऑल, उसमें जो पावर्स थी, कैसे उसने सामना किया, कैसे राजकुमार राव ने उसका पूरा किया, इट वॉज वेरी गुड। इस मूवी के अंदर कैमियोज भी है, जैसे अक्षय कुमार, वरुण धवन, तमन्ना भाटिया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की, मुझे तो अक्षय कुमार का ज़्यादा पसंद आया क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉमेडी था, इट वॉज टू। ऑडियंस को देखनी चाहिए मूवी? देखनी तो चाहिए, पर जिनको ज़्यादा डर लगता है उनको नहीं देखना चाहिए, फिर उनको थोड़ा लाइक ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे सोने में और वैसे, बट इट्स वेरी वर्थ इट टू वॉच। रेटिंग क्या होगी 5 में से? 5/5. वेलकम।